पूर्व पक्ष ने दो अनुमान के द्वारा सकल बुद्धियों को और विशेष तौर अंतिम बुद्धि जो होती है वो स्वविशेष भिन्न होने से अद्वैत श्रुति का उपाधि का हो जाती है, अति भेषित हो जाएगा, तो उस पर मैवम से सिद्धांति विकल्प से खंडन करता उठा के किम यतीश बुद्धिषु व्यापी व्यापक कौपि अवलंब्य व्याप्तिग्रह रूप यही धिया शेष बुद्धो बाधम विपादयसी इत्थम अद्वैत श्रुत है किं वा बुद्ध्यंतर दृष्टि व्याप्ति सनातया पक्षधर्म हेतु उल्लिखंतिया बुद्धिया अंत्य बुद्धि विषय थी। ये दो विकल्प उठाए, आप व्याप्ति के द्वारा ही खंडन करना चाह रहे या अनुमिति के द्वारा खंडन करना। व्याप्ति काल में ही निश्चय हो गया, यदि ऐसा कहोगे तो सर्वत्र हम कहेंगे यो धुमान सस्वनिमान, इस व्याप्ति काल में पर्वत अनुमान निश्चय हो जाए, क्या जरूरत अनुमिति करने की, काला में दोष देंगे। वही उठा रहे कियतीशु बुद्धिशु व्याप्य व्यापक कौपि अवलंब्य, कुछ दूर तक प्रत्यक्ष बुद्धि जो है करते हुए आपने कहा कि जो जो बुद्धियां हैं वे स्वविषय से भिन्न हैं, ऐसे कुछ बुद्धियों में आपने देखा, देख कर विषय कर लिया, खड़ ज्ञान पट ज्ञान बड़ ज्ञान इत्यादि होंगे, से वहाँ ज्ञान स्वविषय से भिन्न आपको अनुभव हुआ, तो इसलिए आपने व्याप्ति बना लिया यो बुद्धि प्रतिमा के वचनांति रखें सहसा स्वविषया भिन्न ऐसा रख लो। ये व्याप्तिग्रह अंतिम बुद्धि की जो स्वविषय के साथ में व्याप्तिग्रह रूप यही वह धिया शेष बुद्ध, शेष बुद्ध अंतिम बुद्धि में भी जो है भेद सिद्ध कर देगी बुद्धि रूपी बादम वित्पाद्यसी अद्वै श्रुति है, इस प्रकार से अद्वै श्रुति का आप बाद को सिद्ध करना चाह रहे हो किं वा अथवा बुद्ध्यंतर दृष्टि व्याप्ति सनातया, अच्छा दूसरा हेतु देते हैं कि दूसरे पक्ष में व्याप्ति ज्ञान के सहकृत करके दूसरे के द्वारा गृहित है बुद्ध्यंतर दृष्टि व्याप्ति सनातया, ज्ञानांतर से दृष्टि जो व्याप्ति है उसको साथ लेकर के पक्ष धर्म हेतु मूल्य खंतिया, पक्ष धर्म और हेतु माने परामर्श, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म ज्ञानम परामर्श, उस परामर्श के द्वारा बुद्धिया अंतिम बुद्धि विषय जो कि अंतिम बुद्धि का विषय होती है उससे उस परामर्श के माध्यम से ही जो कि अंतिम बुद्धि वो बनेगी तब फल बनेगा अनुमिति, उसके द्वारा पद्वेश्वरती को बांधना चाहते हो, दोनों ही नहीं हो सकता ना आद्य व्याप्ति बुद्धि यदि विषय विशेष अभी स्वातंत्रेण बाधात्विकोपेयते तदा सैव विवेक विशेष बुद्धिरपि स्यादिति गतम अनुमान कथया, यदि व्याप्ति का ज्ञान कहा जाए तो पृथक अनुमान को प्रमाण मानने की जरूरत नहीं रहेगा, गतम अनुमान या अनुमान कथया, फिर तो अनुमान की कथा ही खत्म हो जाएगी, हमें परामर्श की जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं भी, अनुमिति करने कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर्वत्र व्याप्ति ग्रह से ही विशेष विशेष बनाने में ही अनुमेय पदार्थ का बोध हो जाएगा, सदा सैव विशेष बुद्धि रूपी अनुमेय पदार्थ की बुद्धि भी वही व्याप्ति करा देगी, यदि विषय विशेष में भी व्याप्ति बुद्धि स्वतंत्र रूपेण बाधात्मिका उपेयते बाधात्मिक आप स्वीकार करने लगोगे तदा सैव विशेष बुद्धि रूपी वही व्याप्तिक बुद्धि ही विशेष बुद्धि को भी पैदा कर देगी थी गतम अनुमान कतया, फिर तो परामर्श अनुमति है जो भी दो सीढ़ियाँ और मानते हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी, सर्वत्र व्याप्ति ग्रह से हम अनुमेय पदार्थ का बोध कर लेंगे, अतः अनुमिति में अभिपैषी यदि आप अनुमिति को स्वीकार करते हो अन्य व्याप्ति ग्रह से पक्षधर्म ज्ञान विशिष्ट जब व्याप्ति ज्ञान था परामर्श उत्पन्न होगा और परामर्श के बाद में अनुमिति होगी, वो अनुमिति अत्व श्रुति को बाधेगी, यदि ऐसा मानते हो तो तदा सा न आत्मनपि धर्मी कृत्य प्रवर्तते, इन अंत्या बुद्धि जो अपने अंतिम बुद्धि कैसी है अद्वै श्रुति के बाधी का है, ठीक, लेकिन खुद का भी भेद का साधक है क्या, अनुमिति अनुमिति जो कर रहा है जिस अनुमान से अनुमिति कर रहे हैं वो अनुमान स्वयं का भेद कहाँ सिद्ध करेगा, स्वयं का स्वयं तो सिद्ध नहीं कर पाएगा, स्वयं को अविषय करता हुआ सकल में प्रवृत्ति भी हो जाए तो वही जगह में मिल गया अद्वै श्रुति को, वो घोष करके वो अभेद सिद्ध कर देगी,
कोई भी अनुमान है, कोई भी प्रमाण है, स्व में प्रवृत्त होता नहीं। जहाँ उसकी स्व में प्रवृत्ति नहीं है तो वहाँ अभेश्वरती काम करेंगे। मैंने स्वयं से स्वयं को भेद नहीं कर पाया, इसका मतलब है स्वयं से स्वयं अभिन्न है वो। जो स्व से अभिन्न हो गया विषयों से भी अभिन्न हो जाएगा। इनका कहना है न आत्मनपि धर्मी कृत्य, और खुद को भी प्रवर्तते इति तत्रैव दत्तपदा, वहीं चरण रखने का अवसर मिल गया इसको। तो सर्वाम अद्वैश्रुति ही परंपरा आलंबते, ये अद्वैश्रुति क्या करेगी, आपकी संपूर्ण बुद्धि परंपरा जो है आश्रय करके वहाँ पर अभेद घोषित कर देगी। इत्युक्तम आवर्तते, पूर्वोक्त दोष पुनः आवर्त हो गया। तो श्रुति उसी अनुमिति में स्व विषय के साथ अद्वैत बोध करा देगी, अद्वैत बोध करा करके अवकाश पकड़ के सकल विषयों के साथ अभेद बोध करा देगी। तो सर्वाभेद सिद्ध हो जाएगा, सर्वभेद सिद्ध हो नहीं पाएगा। ये जब सिद्धांत ने कहा तो पूर्व पक्ष कहता ऐसा नहीं है, हम ऐसे अनुमिति करेंगे ना। फिर सर्वाविवाद अध्यासिता बुद्धे, अंतिम बुद्धि को भी ले लो उसी में। स्व विषयभ्यो भिन्ना, अपने अपने विषयों से वो भिन्न हुआ करती हैं। क्यों? बुद्धित्वात् घटपट बुद्धिवत्, बुद्धि होने के नाते घटपट बुद्धि के समान। इति सामान्याकरणात्मन भी, इस प्रकार सामान्य आकार से खुद को भी धर्मी कृत्य, धर्म में वे साध्य कोटि में रख करके और पक्ष कोटि में रख करके अनुमिति हम कर लेंगे। आत्मनोपि स्वविषयाद भेदम साधयिष्यति, और अपने आप का भी अपने विषयों से वो भेद को सिद्ध कर देगा। अनुमेति अनुमेति मन्य से अनुमेति अनुमा इति अनुमा अनुमिति अनुमा एक ही चीज़ है। इति अनुमा भवति इति मन्य से, यदि ऐसे मानते हो अथ मन्य से मैवम, ऐसा आप नहीं मान सकते हो, ऐसा आप नहीं मान सकते हो। कथ क्यों नहीं मान सकता हूँ? एवं अपि विषयिणो विषयस्य अभेदं बोधयन्ति श्रुति अनुमानमपि अनवकाशयति, लेकिन विषयी को विषय के साथ अभेद बोध करा दे। आपने क्या कर दिया यहाँ, विवाद बुद्धि स्व विषय भी भिन्न कर दिया, स्व विषय भी भिन्न प्रतियोगी कौन हुआ यहाँ पर? स्व विषय ज्ञान हो गया अनुयोगी। तो आपने क्या किया, ज्ञान अनुयोगी को विषय प्रतियोगी भेद को स्थापना किया। इससे ज्ञान अनुयोगी को विषय भेद प्रतियोगी को तो आपने मान लो, इस अनुमान सिद्ध भी कर लोगे, एन इसका उल्टा कौन सिद्ध करेगा? विषय अनियोगिक ज्ञान प्रतियोगी को, विषयों से भिन्न ज्ञान है, एन ज्ञान से भिन्न विषय ये कौन सिद्ध करेगा? स्व विषयात ज्ञानम भिन्नम, एन ज्ञानाद भिन्नम विषया, ये कौन सिद्ध करेगा? परस्पर भेद होना चाहिए ना, अन्योन्य घटा पटो ना पठा घटो ना, ये तो सन्मान सिद्ध नहीं हो रहा है। उभयता अनुयोगी प्रतियोगी लेकर सिद्ध कहाँ हुआ? यह अनुमान आपका ज्ञान अनुयोगिक विषय प्रतियोगिक अनुमान है, लेकिन इसका उल्टा विषय अनुयोगिक ज्ञान प्रतियोगिक भेद ये कौन सिद्ध करेगा? ना ना ना, ना अनुमान में अर्थ ग्रहण नहीं होता है, यहाँ कोई लक्षणा थोड़ी होगी अनुमिति में, इनमें लक्षण नहीं होती। शाब्दिक ज्ञान में लक्षण होती है, अनुमिति में लक्षण नहीं हो सकती है। अनुमिति जो कह रहा है वो इसको ग्रहण करना पड़े, तो अर्थापत्ति में जाओ, अर्थ तो ग्रहण करना है, ये शब्द प्रमाण में जाओ, लेकिन वहां भी दृष्टांश देनी पड़ेगी आपको। भाई पीनो देवदत्ति प्रत्यक्ष नहीं है, अब रात्रि भोजन की आप कैसे अर्थापत्ति करोगे? दृष्टांश के द्वारा ही अदृष्टांश की अर्थापत्ति होती है। लक्षणा के लिए पहले वाच्यार्थ कुछ मानना पड़ेगा शब्द का, तद भिन्न को लक्षार्थ में ले जाना पड़ता है। ये अर्थापत्ति और शब्द प्रमाण के विषय है, अनुमिति में ऐसे नहीं होता। अर्थ तक ग्रहण करना, अनुमान करना पड़ेगा आपको। इसे कहता है कि एवं अभी विषयिणो विषयस्य अभेदं बोधयन्ति, इसे क्या करेगा? विषय ज्ञान को विषय के साथ अभेद बोध करा देगा, कि ज्ञान को विषय के साथ भेद अपने सिद्ध नहीं कर पाए। विषयों से ज्ञान भिन्न है, इन ज्ञान से भिन्न विषय सिद्ध नहीं किया,
हम वहाँ क्या करेंगे, ज्ञान से अभिन्न विशेषित कर देगा अद्वैश्रुति जा करके, वहाँ अवसर मिल गया उसको। जहाँ आप वेसित नहीं कर पा रहे हैं वहाँ हमारा अभेश्रुति घुसेगी, उसके साथ पहले अभेसित करके उसका विषय सकल के साथ भी अभेद हो जाएगा अपने आप। ये हमारी तरीका है। इति श्रुति ही अनुमानमपि अनवकाशेति, एतार्ष अनुमान का भी अवकाश को वो समाप्त कर देती है। तो क्यों सर्वाद्वैत का बोध करा देगी वो, तब तो ऐसा करो विषय विषय यह विषय विषय विषयो हो मिथो भेदे अपि साध्ये अस्तु हेतु अनुयोग भेदे अपि साध्ये तत्पुर पक्ष सिद्धांति अस्तु हेतु अनुयोग। कद यदि आप कहते हो कि विषय विषय भाव, विषय घटपट आदि विषय ज्ञान बुद्धि विषय परस्परम भिन्न बोल दूंगा, तब साध्य में परस्पर शब्द जोड़ दूंगा, स्विषया भिन्न नहीं परस्परम भिन्न हो, आप एक दूसरे का प्रति अनुयोगी बन गया कि नहीं बन गया, हम साध्य को बदल देंगे, इस तरह से कर दूंगा। विषयी और विषय यो हो मिथो भेदेपि ने परस्परम भिन्नौ बुद्धित्वात्, ये सब लूंगा तो कह रहे नहीं हो पाएगा, हेतु क्या दोगे? यदि आप बुद्धित्वाद लोगे तो गड़बड़, विषयत्वाद लोगे तो गड़बड़, दोष आएगा, वो भी आत्मक हो नहीं सकता, अन्य तरह लोगे तो दोष, चार ही पक्ष हो सकता है, चारों पक्ष दोष देते हैं। कभी देखो यद्यपि मूल में चारों पक्षों का नहीं है, अंतिम पक्ष का अलग ढंग से लेकर के बोल रहे हैं, चार पक्ष है। यदि आप बुद्धित्व हेतु बनाओ तो विषयांश में हेतु नहीं रहा पक्ष में, पक्ष आपका क्या है विषय विषयिणव मैंने बुद्धि विषयऊ परस्परम भिन्नऊ। यदि आपके विषयत्वाद कहोगे ज्ञानांश में हेतु नहीं है, पक्ष एक देश में तो न जाना भाग सिद्धि स्वरूपासिद्धि के अंदर है ना, भागा सिद्धि हेतु हो जाएगा, भागा सिद्धि हो जाएगी। यदि आप कहोगे विषय विषयीण हो परस्परम भिन्न हो ज्ञानत्वाद बुद्धित्वाद कहोगे तो विषयांश में नहीं रहा भाग सिद्धि फिर आ जाएगी। इसलिए हेतु आप यदि ज्ञानत्व लोगे तो गड़बड़ है, हेतु विषयत्व लोगे तो भी भाग सिद्धि दोष से आप बच नहीं पाओगे। आप कहोगे इसलिए दोनों में भी तो मैंने एक साधन ले लो, दोनों प्रमेय है, ज्ञान भी प्रमेय है, मानस ज्ञान का विषय मानते ना नहीं है एक लोग, ज्ञान को भी प्रमेय कोटि में रखा है और विषय तो प्रमेय है ही, प्रमेय तो हम साधारण बना लो तो दोनों में रहे ऐसे हेतु तो बना दूंगा। विषय विषय हो परस्पर भिन्नो प्रमेयत्वात् साधारण हेतु तो बना लूंगा, ये भी नहीं हो सकता, व्यभिचारी हो जाएगा वो, क्योंकि जब प्रमेयत्व तो व्यभिचारी होगा, जहाँ विषयत्व और विषयित्व नहीं है, असद विषय जितने पदार्थ हैं वो भी शब्द का विषय बन रहे कि नहीं, का पुष्पम बोल रहा हूँ मैं शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन वह ज्ञानात्मक भी नहीं है विषयात्मक भी नहीं, न विषय हो न ज्ञान है, वस्तु शून्य है। इसे कहते ऐसे स्थल में लेकिन प्रमेयत्व है, शब्द के द्वारा प्रमेय बन रहा है, बुद्धि है वो, वे विचार हो जाएगा तुम्हारे हित प्रमेयत्व है। तो जहाँ ज्ञानत्व और विषयत्व दोनों नहीं है ऐसे स्थल में आपका प्रमेयत्व चला जाएगा, तो ये विचार हो जाएगा। अब इसलिए कहेगा बुद्धि विषय अन्य तरह तो ले लो तो दोष नहीं आएगा, कहते अन्य तरह तो लोगे तो गड़बड़ होगा, तथापि अब जवाब दे रहे पर बुद्धि तद विषय विषयांश प्रति, पर बुद्धिस तद विषयांश प्रति निरापाद सत्य श्रुति एकस्या बुद्धिर विषयाद अपराम अपरस्याश्च विषयाद परा पराम अभेद बोधाय धावंती सर्वाद्वैतेव पर्यवसती। तो क्या करेगी उभयसान हेतु मान बिले जो बुद्धि और विषय ज्ञान विषय अन्य तरत्व ज्ञान विषय अन्य तरत्व ये उभय साधारण है, अन्य तरत्व दोनों में रहेगा, अत उभय साधारण एक हेतु मिल गया तो परस्पर भेद सिद्ध हो जाएगा। यदि ऐसा कहना चाह रहे ऐसे नहीं हो सकता, तथापि पर बुद्धि और उस बुद्धि के विषय, मान लो मेरे सकल बुद्धियों के मेरे सकल ज्ञान और सकल विषयों को मैंने पक्ष बना लिया और मेरे सकल ज्ञान सकल विषयों का परस्पर भेद में सिद्ध भी कर लूँ, इन मेरे ज्ञान और विषय और आपके ज्ञान के विषय भिन्न है, ये कौन सिद्ध करेगा? इनके तो अनंत जीव है ना,
एक जीव का ज्ञान और विषय परस्पर अभेद हो, खुद के लिए भेद सिद्ध भी कर ले, दूसरे जीव के ज्ञान और विषय में स्व के जीव के ज्ञान का जो भेद है कैसे सिद्ध करेगा? नहीं कर पाएगा, वहाँ घुस जाएगा द्वेष श्रुति। मैं आप दोनों का, हम दोनों का ज्ञान एक है, अभेद हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि पराम परबुद्धि तद विषयांश प्रति निराबाध सिद्ध श्रुति। निराबाध श्रुति क्या करेगी? एकस्या बुद्धि विषयात् पराम अपरस्याश्च विषयात् पराम। एक बुद्धि को अपने विषयों से अलग करके अभेद कर देगी और उसके भी विषयों से उसे आगे वाले को भी अभेद कर देगी। ऐसे पूरी परंपरागत सकल ज्ञान सकल विषयों के साथ परस्पर अभेद करता हुआ बोधाय धावंती श्रुति ही सर्वाद्वैतव परिवृति सर्वाद्वैतव परिवसान कर देगी। एक बुद्धि के विषय से अन्य बुद्धि का और अन्य बुद्धि का दूसरे अन्य बुद्धि को ले लो, उसका उसके विषय के साथ ऐसे करके पूरी जितनी धारा तुम्हारी है सकल ज्ञान धारा और विषय धारा को वो अभेसित कर देगी। न च शक्य अनुमातम सर्वस्या बुद्धिर् विषया सर्वा बुद्धिर् भिन्ना इति। तब ऐसा अनुमान करूँगा बोलता है वो, सर्वस्या बुद्धि है सारी बुद्धि, जितने भी जीव सकल जीवों की सकल बुद्धियाँ और उनका सकल विषयों के साथ जो है भिन्न है। सर्वस्या बुद्धिर् विषया सर्व बुद्धिर् भिन्ना, सगल विषयों से सगल बुद्धियाँ भिन्न हो जाएंगी। इति मा भूत अंत्य बुद्धि विषयाद आत्म अंत्य बुद्धि लेना है, अन्य का गड़बड़ छपी है वो। अंत्य बुद्धि विषयाद आत्मरूप बुद्धि भिन्ना इति, क्योंकि बुद्धि विषयाद भिन्ना सामान्यम क्या है आपका, बुद्धि जो है विषय से भिन्न होती है। ये सामान्य है क्या दर्पण हो, उपांत्य बुद्धि अंत्य बुद्धि से भिन्न या नहीं? कि उपांत्य बुद्धि ही विषय बनती है अंत्य बुद्धि का, अंत्य बुद्धि का विषय कौन है? उपांत्य बुद्धि। इसे उपांत्य बुद्धि में विषयत्व भी और बुद्धित्व भी आ गया, दोनों आ गए कि नहीं? फिर आपका नियम क्या है, बुद्धि स्वविषयात् भिन्ना, तो उपांत्य बुद्धि में बुद्धित्व भी है और उसमें विषयत्व भी आ गया, तो स्वविषय में सिद्ध हो जाएगा क्या? खुद में खुद का भेद सिद्ध कर सकेगा क्या? स्वस्मिन स्वस्य भेदो असंभव, ऐसे जल में घुस जाएगी हमारी अद्वैत श्रुति और अभेद सिद्ध कर देगी। अरे उपांत्य बुद्धि स्वयं जो विषय बना हुआ है वह बुद्धि और विषय अभेद हो गया, कि उपांत्य बुद्धि ही एक बुद्धि है वो और वो विषय भी हो गया। इसे बुद्धि और विषय दोनों अभिन्न हुआ एक ही में, कहाँ? उपांत्य बुद्धि में। उसी को लेकर हम अंत्य बुद्धि में भी कहेंगे, वो भी अपना विषय कौन है, उपांत्य बुद्धि, और अंत्य बुद्धि भी अभिन्न हो जाएंगे। इससे सकल ज्ञान सकल विषय अभिन्न हो जाएगा। एक जगह भी हमें यदि ज्ञान और विषय का भेद कर लिए एक जगह भी, तो सकल जगह वही सिद्ध हो जाएगा। उपांत्य बुद्धि जो विषय है वो अंत्य बुद्धि का विषय है। हाँ, विषय पाया ना उसमें, बात खत्म हो गई, और खुद बुद्धि रूप है या नहीं, वो ज्ञान रूप है ना भाई। सीधी सी अंत्य उपांत्य कहने क्या, व्यावसायिक ज्ञान क्या है, अनुव्यवसाय विषय है, और व्यवसाय क्या है, विषय होने से ज्ञान तो खत्म हो गया क्या उसका? अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय होने मात्र से व्यवसाय ज्ञान का ज्ञान तो नष्ट हो गया क्या? नहीं, फिर उसे ज्ञान तो विषय दोनों आ गए कि नहीं, दोनों भिन्न है क्या, वहाँ दोनों भिन्न है क्या, बोलो? आपको कहना पड़ेगा ना अभिन्न है, जो ज्ञान है वही विषय है। चाहे किसी का विषय बन गया, ज्ञान विषय बन गया कि नहीं, उस एक ही चीज में ज्ञान त्रिशत दोनों आ गया, और दोनों जो आ गया वो दोनों भिन्न नहीं है, अभिन्न हो जाएगा, वहीं पहुंचेगा हमारी श्रुति। हाँ, यहाँ अभेद है, यथा औपांत्य ज्ञान स्वगत विषयत्व और स्वगत ज्ञानत्व को लेकर अभिन्न है, तद सकल ज्ञान भी स्वगत विषय और स्वगत ज्ञानत्व को लेकर अभिन्न हो जाएंगे। ये सिद्धांत पकड़ा है, ये वही कहते थे मा भूत अंत्य बुद्धि विषयात्, अंत्य बुद्धि का विषय कौन है, उपांत्य बुद्धि, उससे आत्मरूप बुद्धि भिन्न स्व में जो विद्यमान ज्ञानत्व है उसका भेद माभूत न हो जावे, इसीलिए आपको अभेद मानना पड़ेगा वहां पर। न च आत्मव्यतिरिक्ता इत्युक्ते, ऐसा कहूंगा फिर आत्मव्यतिरिक्ता ये विशेषण जोड़ दूंगा, इत्युक्ते निस्तार स्यात् इति न, ऐसा कहने पर भी पूछाओगे नहीं, आप कहोगे सब बुद्धियों के आत्मभिन्न विषयों से, सकल बुद्धियाँ क्या है,
आत्म स्व को भिन्न विषयों से भिन्न है, यानी स्व को, स्व का भेद नहीं रहेगा, यानी स्व का भेद आ जाएगा। यही स्व से आत्मभिन्न स्व हो गया ज्ञान बुद्धि, उससे भिन्न जो विषय है, मैंने स्व में जब ज्ञानत्व विषय दोनों भी आ जाए, वह स्व मैंने ज्ञानत्व को छोड़ करके विषयत्व मात्र को लेकर के भेद सिद्ध करूँगा, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो। कि आप पूछता हूँ मैं कि आप ये जो कह रहे हो कि आपके अनुमान स्वार्थानुमान है या परार्थानुमान है, खुद के लिए कर रहे हो कि मुझे वेदांति को सुनाने के लिए बोल रहे हो, ये स्वार्थानुमान है तो सिद्ध साधु दोष आ जाएगा तुम्हारे मत में, कि जितने भी द्वैतवादी हैं उनके यहाँ पहले से भेद सिद्ध है, फिर क्या भेद सिद्ध करोगे। परार्थानुमान कहोगे हम नहीं मान सकते, स्व से बिन कुछ है नहीं हमारे मत में, स्वातिरिक्त विशेषण जोड़ा ना, स्व अतिरिक्त विषय हमारे मत में, एक मत में आत्मा है ब्रह्म है, स्वातिरिक्त कुछ है ही नहीं, तुम्हारा साध्य ही अप्रसिद्ध हो जाएगा, विशेषण अप्रसिद्ध दोष होगा। वही समझा रहे देखिए नानी सर, क्यों अद्वैतवादिना सर्वाभेदम इच्छता, परार्थानुमान लेकर के अद्वैतवादी के द्वारा सर्वभेद को चाहता हुआ क्वचित भी तद असिद्ध्या, कहीं भी तुम्हारे साथ की सिद्धि मिलेगा ही नहीं, अतः विशेषण अप्रसिद्ध रीति विशेषण अप्रसिद्ध दोष हो जाएगा। और यदि स्वार्थानुमान लोगे, उसके बारे में नहीं बोला उन्होंने, लेकिन समझना पड़ेगा, परार्थानुमान कह दिया, स्वार्थानुमान कहोगे सिद्ध साधन दोष होगा। इस तरह से तुम इस अनुमान से भी ज्ञान और विषय का भेद सिद्ध नहीं कर सकते। तब कहते हैं वो पूर्व पक्षी, एतेन सर्वं भिन्नम इति वाक्येन विना बाधम स्वतः प्रमाणेन सत् प्रति शब्दा सेयम अद्वै श्रुतिर इत्यपि अनवकाशम प्रत्यवस्थानम मंतव्यम। बाधक के विना, बाधम विना स्वतः प्रमाण है, स्वतः प्रमाणेन क्या है, सर्वं भिन्नम एतादृश अनुभूति हम सभी को अनुभव हो रहे हैं, सर्व हम सब अलग अलग हैं, सर्वानुभव सिद्ध है, सर्वम भिन्नम ये है, इसलिए बाद के बिना ही स्वतः प्रमाण है सर्वम भिन्नम ज्ञान। इस ज्ञान से सर्वम जब भिन्न हो तो ज्ञान भी भिन्नम सिद्ध हो गया, विषयात सत प्रति ऐसा होते हुए प्रतिशब्दा सेयम अद्वै श्रुति, उसके विरोधी ये अद्वै श्रुति होने से जो स्वतः प्रमाण भूता और बाद रहित ऐसा जो सर्वम भिन्नम, इस ज्ञान का प्रति मान विरुद्ध होने के नाते आपके अद्वै श्रुति बाधित हो जाएगी। श्रुति रीत्यपि अनवकाशम प्रत्यवस्थान मंतव्यम, इस ऐसे स्थलों में आपकी श्रुति को प्रतिपस्थित होने के लिए कोई अवकाश नहीं रहा, अर्थात आपके अद्वैत श्रुति यदार प्रत्यक्षानुभव निराबाध स्वतः प्रमाणभूता स्वरम विनिमित ज्ञान के द्वारा आपके अद्वैत श्रुति बाधित हो जा रही है। कहते ऐसे तुम नहीं कह सकते ही, इस मैंने शब्द से शब्द का खंडन करना चाह रहे हैं, ये वाक्य क्या वाक्य है, सर्वम भिन्नम, ऐसे हम सबका अनुभव को हम एक शब्द प्रमाण से बोल दिए हैं, और ये वाक्य कैसा है, स्वतः प्रमाण है और इसका बाद रही है, बाद रहित है, इसलिए यथार्थ है। ये यथार्थ होने से तुम्हारा अद्वै श्रुति इसके द्वारा बाधित हो जाएगी, ऐसे आप नहीं कह सकते। कि यदि इस वाक्य से आप क्या कहना चाह रहे, विकल्प उठा गया भाई, करे यस्मात् कस्मात् भी भेदे मिथ्यात सत्य भेदोपगमेन सिद्ध साधनात्, आप बताओ इस वाक्य से जिस किसी से भी भिन्न ऐसा बोध अभिप्रेत है, जिस किसी से भी भेद है ये कहना चाह रहे हो, या स्व से भेद करना चाहते हो, या सर्व से भेद करना चाहते हो, तीन विकल्प उठा रहे हैं। सर्वम भिन्नम, सर्वम का मतलब क्या, हम पूछेंगे, जिस किसी वस्तु को लेना चाह रहे हो, यत्किंचित जो कुछ भी है संसार में, उन सकल वस्तुओं को लेकर सर्वम शब्द कह रहा है आप, तो दोष है। यह यस्मात कस्मात भी भेद है, जिस किससे भेद सिद्ध कर चाहोगे उसके माध्यम मिथ्या तो सत्य भेद उपगमेन, मिथ्या की अपेक्षा से सत्य भेद तुम स्वीकार कर रहे हैं, इसे कौन, सकल द्वैतवादी लोग, उनके अनुसार सिद्ध साधन दोष आ जाएगा। क्योंकि यत्किंचित भेद तो सभी मान रहे हैं ना, कौन नहीं मान रहे यत्किंचित भेद, हम भी व्यावहारिक भेद मान रहे हैं, हमारे भी विरोध का आ रहे हैं,
सर्वम से आप यस्माद कस्माद किंचित पिल्ले लोगे, हम कह रहे मिथ्या से भी सत्य भेद स्वीकार आप कर रहे हो, वो तो हम मान रहे हैं व्यवहार में भी, और आप लोग तो सत्य भेद मानते ही जगत में, सकल द्वैतवादी तार्किक लोग, आप सबके मत में क्या हो जाएगा, सिद्ध साधन दोष हो जाएगा। और सरस्मादि यदि सरस्माद कहोगे, यस्माद कस्माद नहीं किंतु सर्वस्माद एव सर्वम भिन्नम, यदि ऐसा कहोगे फिर तो स्वतोप्यापत्ति है, स्व में स्व का भेद मानना पड़ जाएगा, और तो सर्वम में स्वयं वो ज्ञान है या नहीं, ये जो सर्वम बोला आपने सर्वम भिन्नम, ये वाक्य ज्ञान भी सर्वम कोटि में है क्या, इसको भी सर्व कोटि में रखोगे तो स्व में स्व का भेद मानना हुआ, ये सर्व सिद्धांत विरोध हो जाएगा। स्वतोपि आपत्ति है, स्व से भी स्व का भेद मानना पड़ जाएगा, आपत्ति है। तब तीसरा पक्ष लो, आत्मभिन्न जो सर्व, ऐसे कर दो, आत्मभिन्न जो सर्वम, स्व से भिन्न जो सब, जो भी ज्ञान लोगे वह ज्ञान को छोड़ के उससे भिन्न बाकी सब ज्ञान सब विषय परस्पर भिन्न है, ये सिद्ध हो जाओगे। तो वो ज्ञान छूट गया ना आपका, जिस ज्ञान को तुम छोड़ रहे हो और भेद नहीं कर पा रहे हो वहीं अद्वैत घुस जाएगा। कहते स्व व्यतिरिक्ता च अद्वैतवादिनी अव्यवच्छेदकम, वो अद्वैतवादी में व्यवच्छेदक हो नहीं सकता। आत्म व्यतिरिक्त अप्रसिद्ध विशेषण का दोष वही आएगा कि आत्म व्यतिरिक्त हमारे में कुछ है ही नहीं, तो कहाँ प्रसिद्ध करोगे, दृष्टांत कहाँ दोगे, पहले आत्म व्यतिरिक्तत्व सती सर्वत्व कई दृष्टांत में दिखाना पड़ेगा, और मिलेगा नहीं कोई दृष्टांत कि आत्म बिना हमारे पास कुछ है ही नहीं। वेदांति कह रहे अपने तो तीन पक्ष रहे, पहले द्वैतवादियों के हिसाब से कभी सिद्धांत दोष हो जाएगा, और सर्वम में खुद को ले लोगे स्वतः व्यावृत्ति रूपी दोष आ जाएगा। इसे हमारे हिसाब से कहना चाहोगे अद्वैतवादी के लिए हमारे यहाँ तो स्वतः तो है नहीं, विशेषण देना ही व्यर्थ हो गया, विशेषण अप्रसिद्ध दोष हो जाएगी। तदेव इसलिए सर्वस्मा सर्वम भिन्नम इस पूर्वोक्त अनुमिति के प्रतिज्ञा वाक्य में सर्व को आप पक्ष बनाते हैं, तो वहाँ पर हम फिर भी शंका उठा रहे कि तुम्हारा हेतु तुम्हारा साध्य ये सब पक्ष में है क्या, सर्वम में, सर्वम पक्ष बना दिया, भिन्नम और आगे हेतु जो भी दो प्रमेयत्वाद दोगे कुछ भी हेतु दोगे, वो हेतु भी सर्वम में है या नहीं, ये साध्य भी सर्वम में है या नहीं, और दृष्टांत भी सर्व कोटि में है या नहीं, सर्वम में आप इन सब का व्यावर्तन करोगे क्या, सर्वम का मतलब क्या होगा, दृष्टांत साध्य हेतु भिन्नम सर्वम, यदि ऐसा कहोगे मन इनमें भेद सिद्ध नहीं कर पाओगे आप, साध्य हेतु और दृष्टांत भेद कौन सिद्ध करेगा, इनसे भिन्न को सब में आपने भेद सिद्ध कर दिया, इन तीन से भिन्न जो सर्वम है वो भेद वाले मन, ये तीन भेद वाले नहीं है तो अभेद सिद्ध हो जाएगा, वहीं श्रुति घुसेगी और इनके अभेद होने से सर्वाभेद सिद्ध हो जाएगा उनके द्वारा। इसलिए कहते तदेव हेतुपाद्य भाव सार्वज्ञे सर्वम पक्षतया स्थिते किंचित्तु त्यजता दत्ता सैव द्वारद्वय श्रुते है। हेतुपाद्य भाव, पहला दोष क्या है, हेतु आदि का भाव हो जाएगा, यदि हेतु साध दृष्टांत स्वरम में ले लोगे तो इसका पक्ष आपके लिए दृष्ट है, अनुमान की क्या जरूरत है, कि हमेशा अनुमान में पक्ष दृष्ट होता है, ज्ञात होता है, जैसे पर्वतों अनुमान पर्वत ज्ञात है आपको अंकों से, अज्ञात है तो वहां क्या सिद्ध करोगे आप, इसे पक्ष हमेशा ज्ञात मानना पड़ता है। यह किन प्रकरण पे, मान लो आपको आत्मा मालूम नहीं है स्वर्ग मालूम नहीं है, लेकिन वो भी ज्ञात है वेद आदि उनसे ज्ञात हो गया है, अज्ञात में आप कोई चीज सिद्ध नहीं हो सकती, सब पक्ष को ज्ञात मानना पड़ेगा, और पक्ष कोटि में सर्वम डाला और सर्वम में दृष्टांत भी मान लिया, हेतु भी मान लिया आपने, साध्य भी मान लिया, सब कुछ मान लिया का मतलब आप सर्वज्ञ हो गए, कि सर्व आपको ज्ञात हो गया ना, जब सर्व आपको ज्ञात हो ही गया अब रह क्या गया अनुमान आदि करने का, अब पहले बोल चुके यदि आप सर्वज्ञ हैं हम तब मानेंगे जब हमारे मन की बात आप जाने, हमारे चित्त की बात आप पालो क्या है हमारे चित्त में, तो हम सर्वज्ञ आपको मान लेंगे, लेकिन ऐसे कुतर्क के द्वारा स्वयं सर्वज्ञ सिद्ध करो ये नहीं हो सकता है,
ये दो दोष है, हेत्वादि अभाव हो जाएगा और वहीं सर्वम में उसको अलग कर दोगे वहाँ अभेदित कर दूंगा, नहीं तो सर्वज्ञ तो दोष पक्ष कोट में सब गए, आपने सबको जाना सर्वम पक्षते आस्तिते, सबको पक्ष रूप में स्वीकार कर लोगे सार्वज्ञता दोष आ जाएगा और हेत्वादि अभाव दोष आ जाएगा। किंचित तू त्यजता, यदि एक भी हिस्सा एक भी चीज को अपने छोड़ दिया सर्वम से अलग कर दिया पक्ष कोटि में एक को भी, तो वहीं अद्वैत छोड़ती घुस जाएगी। सैव द्वा हलंत है, द्वार द्वार या हलंत है, र में जो अधिक रहा है अद्वैत श्रुति का है वो द्वा द्वारी नपुंसकलिंग द्वा द्वारी जिसो शी लगेगा शी गई बचेगा श्री सर्वनाम स्थानम सर्वनाम संबद्ध हो जलंत भी नहीं अजंत भी नहीं है नुम नहीं होगा द्वारी ह्रस्विकारांत बचेगा द्वा द्वारी द्वारी द्वा द्वारी द्वारी द्वारा द्वारभ्याम द्वार भी द्वारे द्वारभ्याम द्वारभ्या ऐसे रूप चलेगा रेफांत है से द्वा वहीं उसको दरवाजा खुल गया। सही बद्वा वो एक जिसको तुम त्याग रहे हो पक्ष को अलग कर रहे हो दृष्टांत आदि बनाने के चक्कर में उसी एक जगह पर घुस जाएगा अद्वैत श्रुति है। नहीं नहीं न पूछ द्वार बोल रहा हूँ ना मैं, किसके द्वारा है अद्वैत श्रुति द्वा सा अद्वैत श्रुति द्वा भवती वो अद्वैत श्रुति का द्वार बन जाएगा प्रवेश करने के लिए। इसको भी हिंदी में वो सुंदर चौपाई बना दिया सर्व पक्ष यदि हो तो तब हेतु निदर्शन नाश सबको हो सर्वज्ञता छोड़े श्रुति अवकाश। कहते सर्व पक्ष यदि हो तो तब यदि सबको पक्ष बनाओगे तब हेतु निदर्शन नाश हेतु सा दृष्टान सबका अभाव हो जाएगा और सबको अब ले लोगे सर्वकोटि में हेतु दृष्टा भी तब तो सर्वज्ञता एक को भी छोड़े तो श्रुति को अवकाश श्रुति को मिल गया अवकाश। इस प्रकार से अद्वैत की सिद्धि हो जाती है तब पूर्व पक्षी के लिए पूर्व पक्ष नहीं दिया वाक्य अतएव चक्र से जवाब दे दिया अतएव च से सीधे जवाब दे रहे हाँ नहीं नहीं अभी चल रहा है अभी चलेगा। तो यहाँ पूर्व पक्ष का आशय नीचे दिए अलग से घटपटो भिन्नौ इस बुद्धि का विषय भेद सर्वम अभिन्नम इत्याकारक जो श्रुति बोध के बाद के बिना अनुपलब्ध है अनुपपन्न है अर्थापति प्रमाण ला रहा है अभी अनुमान फेल हो गया प्रत्यक्ष भी फेल हो गया अब अर्थापति ला रहा है। वो कहते हैं घटपटो भिन्नो हमारा प्रत्यक्षानुभव सिद्ध है आपके भी प्रत्यक्षानुभव सिद्ध है सर्वानुभव सिद्ध है घटपटो भिन्नो यह बुद्धि का विषय जो भेद है वो आपके अद्वैत श्रुति का सर्वम अभिन्नम अद्वैत श्रुति का विषय कौन है अभेद हमारे प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है भेद और अद्वैत श्रुति का है अभेद इसका विरोध होने से यह भेद भी प्रत्यक्ष प्रबल प्रमाण होता है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम पूछा गया इसीलिए प्रबल प्रमाण से श्रुति को बात देगी। अद्वैत श्रुति के सर्वम अभेद के कारण से सर्वम भिन्नम यह अनुपपन्न हो गया अर्थापत्ति प्रमाण से भेद सिद्ध हो जाएगा अतः भेद की अन्यतापत्ति से श्रुति का बोध का बाध हो जाना चाहिए इति तब कहते ऐसा नहीं हो सकता तब वो श्लोक दिया आद्य धी वेद्य भेदीया अप्यन्यता अनुपन्नता स्वज्ञान अपेक्षणादंते बाधते नाद्वय श्रुतिम। कहते हैं अन्यतापत्ति भी ज्ञात होकर ही उपादक होता है जैसे अभी कुछ देर पहले बताया था पीनत्व जब आपको ज्ञात नहीं है आप रात्रि भोजन का अन्यता अर्थापत्ति और अनुपपत्ति दिखा करके उपपन्न नहीं कर सकते ज्ञातांश के द्वारा ही अज्ञातांश का अर्थापत्ति होता है मैंने दृष्टांश के द्वारा ही अदृष्टांश की अर्थापत्ति होता है। आपको पहले ज्ञात है देवदत्त जिंदा है और घर गए नहीं मिला तो ज्ञात जो सतजीवित्व के आधार पर हो देवदत्त के बहिसत्व का अर्थापत्ति होती है
जितने भी अर्थापत्ति दृष्टांत आपको यही मिलेगा, ज्ञातांश के द्वारा ही अज्ञातांश के अनुपत्ति के आधार पर हम उपपन्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कहते हैं यदि आपको ज्ञात है, इसका मतलब ज्ञात है सर्वम भिन्नम, घटपटो भिन्नों के द्वारा आपको ज्ञात मानना पड़ेगा। इसमें अज्ञात अज्ञातांश क्या है जिसको आप अर्थापत्ति से लाना चाह रहे हो कि सर्वम भिन्नम भेदांश आ गया, भेद भी आपको ज्ञात हो गया है, अब अज्ञात क्या है जो अर्थापत्ति से तुम सिद्ध करने जा रहे हो। भाई एक अंश में ज्ञात हो अन्य अंश में अज्ञात हो तो भी घटा सकते थे, फिर वो कह सकता है हम घटपटो भिन्नो ज्ञान को ले रहा हूँ और सर्वम भिन्नम अज्ञात है, इस ज्ञात सर्वम घटपटो भिन्नो के द्वारा अज्ञात सर्व भिन्नम का हम अर्थापत्ति कर लेंगे, वो भी नहीं हो सकता। कोई समझा रहे हैं क्योंकि तथा यह अनितानुपत्ति का ज्ञान उसका विषय भी और अनितानुपत्ति इन दोनों के अभेद के बाद के बिना ही घटपट भेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि अन्यथापि उपपत्ति हमें सिद्ध करना है, अन्यथापि उपपत्ति तीन तरीके है ना अर्थापत्य खंडन का, हमेशा तीन तरीका होता है, अन्यथापि उपपत्ति, अन्यथैव उपपत्ति और अर्थबादश्च, ये तीन तीन तरीका है। यहाँ पर अन्यथापि उपपत्ति दूंगा, श्रुति को बाद के बिना भी घटपटो भिन्नो प्रत्यक्ष सिद्ध ज्ञात हो चुका, अतः भेद सिद्धि के लिए अर्थापत्ति लगाने की जरूरत ही नहीं। वही समझा रहे, देखिए इनका कहना है अनुपत्ति जो भेद की है वह ज्ञान भेद बिना सिद्ध हो सकता है, ज्ञान भेद के बिना विषय भेद की सिद्धि, क्योंकि घटपटो भिन्नो क्या कर रहा है, विषय मात्र भेद को सिद्ध कर रहा है ना, ज्ञान और विषय भेद को कौन सिद्ध कर रहा है वहां से, ज्ञान और विषय का भेद जो श्रुति सिद्ध कर रही है उसको बाधे बिना घटपट का भेद सिद्ध हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये अन्यथा उपपत्ति हो गया। मैंने श्रुति को बाधे बिना ही घटपट रूप विषयों का जो भेद है वो सिद्ध हो सकता है, इसके आधार पर ज्ञान और विषय का भी भेद तुम कैसे सिद्ध कर सकोगे। इसलिए हम करें घटपटो भिन्नों के आधार पर श्रुति को बाधे बिना, अन्यथा पे मैंने श्रुति को बाधे बिना ही वह विषयगत भेद उपपन्न है, अतः अर्थापत्ति प्रमाण से सर्व भेद की सिद्धि नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, अथवा उन दोनों के अभेद को नहीं बाधेगा तो श्रुति उन दोनों के अभेद में ही अवकाश पा करके क्रमशः सर्व भेद को सिद्ध कर सकता है, ज्ञान और विषय का अभेद सिद्ध होने से तद्वारा ही सकल विषयों का भी अभेद सिद्ध हो जाएगा, कि आपका जो प्रत्यक्ष ज्ञान घटपटो भिन्नो यह ज्ञान वाक्य ज्ञान भी क्यों न मान लें, वह वाक्य ज्ञान स्व विषयों से भिन्न है, ये बात कोई सिद्ध नहीं कर पाया, वह वाक्य विषयगत भेद को सिद्ध करता है और ज्ञान और विषय के भेद को सिद्ध नहीं कर रहा, उसे वो श्रुति घुस जाएगी। इसे कहते हैं कि आद्यति वेद्य भेदिया अन्यता अनुपन्नता, आदिति कौन हो गया घटपटो भिन्नो, उसके वेद्य कौन है घट और पट, उसको भेद को सिद्ध करने वाली आदिति के द्वारा जो विषय किया गया है उनके भेद को सिद्ध कर रही, केवल मान ज्ञान और विषय का भेद सिद्ध नहीं कर रही है। अन्यता अनुपन्नता, अन्यता अनुपत्ति आप जो कहा स्वज्ञान अपेक्षणात्, वहाँ पर जो है कोई न कोई प्रत्यक्षांश आपको सिद्ध करना पड़ेगा, वहाँ प्रत्यक्ष क्या है बताना पड़ेगा, ज्ञातांश बतानी पड़ेगी कि ज्ञातांश की अपेक्षा होती है हमेशा अर्थापत्ति प्रमाण के लिए, और ज्ञातांश सर्व को ले लिया आपने और ज्ञान और विषय का भेद को सिद्ध करना स्वीकार करोगे तो भी अर्थापत्ति व्यर्थ हो गया, कि सबका भेद ज्ञात हो ही गया पहले से आपको, सबका भेद ज्ञात नहीं कहोगे फिर किसका भेद ज्ञात हुआ, घटपट विषय का भेद ज्ञात हुआ इस वाक्य से, यदि विषय भेद भेद का ही मात्र ज्ञात है तो ज्ञान और विषय इनके भेद ज्ञात नहीं है आपको, उसको अर्थापत्ति से सिद्ध नहीं कर सकते कि ज्ञातांश के बिना अज्ञातांश का संबंध होना चाहिए ना, भाई शत जीवित पीनत्व क्या भोजन संबंधी है, अतएव पीनत्व हम भोजन का अर्थापत्ति कर लेते हैं, शत जीवित क्या अमृतत्व मरा नहीं है, ये इसका संबंध क्या अन्यत्र जीवित होना चाहिए उसको तभी घट पाएगा,
तो अन्यतर जीवित दिखाने के लिए वही सत्व सिद्ध करते हैं। तो संबंधी होना चाहिए, ज्ञातांश संबंधी का ही अज्ञातांश को कर सकते हैं। और ज्ञातांश आपका है विषय भेद, उसके द्वारा ज्ञान और विषय का भेद को आप कैसे सिद्ध करोगे, तो संबंधित है ही नहीं। क्या संबंध है ना सिद्ध करोगे, क्योंकि ज्ञान और विषय का अभेद होकर के भी विषयगत भेद को व्यवहार में मानने में कोई आपत्ति नहीं है। यथा स्वप्रगत पदार्थ आपका क्या है, ज्ञान से भिन्न क्या स्वप्न का विषय, फिर भेदवार हो क्या नहीं हो रहा है। से ज्ञान और विषय का भेद होना अनिवार्य नहीं है विषयगत भेद व्यवहार के लिए, ये स्वप्न आदि में देखा गया। अतएव इसका संबद्ध नहीं, ज्ञात नहीं, ज्ञातांश के द्वारा असंबद्ध है आपका सर्व अभेद। अतएव सर्वाभेद की सिद्धि श्रुति कर देगी, अब अर्थापत्ति प्रमाण प्रवृत्त नहीं हो सकती। ये इनका बात है नाद्वय श्रुति में, इसलिए अद्वय श्रुति को बाध नहीं कर सकती है। उसके भी चौपाय के रूप में सुनाते हैं ये अनुपपत्ति जो भेद की, ज्ञान भेद विनु मित्र। अनुपपत्ति जो भेद की मैंने विषय भेद की, वह ज्ञान भेद विनु, बिना ज्ञान भेद कैसे होता है। वह भी चाहत ज्ञान निज बाध को सही श्रुति मित्र, यदि वह भी यदि ज्ञान निज ज्ञान स्वज्ञान का भी भेद साधक है या नहीं पूछूंगा, और स्व का स्वयं भेद सिद्ध नहीं कर सकता, तो वहीं जाकर श्रुति घुस करके सर्वाभेद सिद्ध कर देगी।